छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए चलना है, सात सात दस दस दिन के, और उनको अचीव करते हुए जाना है। रेट में लगे जो गलतियां रीट में की हैं वो गलतियां यहाँ नहीं दोहराएंगे। सब सेकंड पेपर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, 4 से 5 घंटे तक उस सब्जेक्ट को पढ़े। अगर 3-4 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो 1-2 घंटा उसको रिविजन भी करें। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में सब्जेक्ट अलग थी फिर भी सिलेक्शन लिया है, तो ये टॉपिक अगर 10 घंटे लगते हैं, रोज मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ तो 5 दिन में 1 टॉपिक कर लूँगा और 2 दिन उसका रिविजन कर लूँगा, यानी सप्ताह में 1 टॉपिक अपना क्लियर कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और उम्मीद है अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है, और हो सकता है काफ़ी जनों ने कोई कोर्स भी खरीद लिया होगा अपनी तैयारी के लिए, या फिर जो मटेरियल तय करना था, जिससे पढ़ना था, वो सारी चीज़ें तय कर ली होगी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं की है जल्दी कर लें, क्योंकि तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी 1-1.5 साल में अपने अच्छे से उस वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहले से पहुँचे हुए हैं। जो अभी 2 गुना में सेकेंड ग्रेड में हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में हुए हैं, जब उनको बीट करना है तो उनको बीट करने के लिए हमें अभी से अच्छे लेवल से तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए चलना है, सात सात दस दस दिन के, और उनको अचीव करते हुए जाना है, और उससे तैयारी है वो बेहतर होगी। काफ़ी कुछ जने सोच भी रहे होंगे कि 3-4 साल में रीट नहीं निकली तो क्या 1-1.5 साल में सेकेंड ग्रेड निकल जाएगी? ज़रूर निकल जाएगी। जो 3 साल में रीट नहीं निकली है वो सारा अनुभव अपन यहाँ सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लगे। जो गलतियाँ रीट में की हैं वो गलतियाँ यहाँ नहीं दोहराएंगे, ठीक है। एक बैठ कर एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या कमी रह गई, क्या मेरे एग्ज़ाम हॉल में कमी रही जिसकी वजह से नहीं हुआ, या फिर मेरी तैयारी के दौरान रही, या कोई सब्जेक्ट जिसको मैं विशेष ध्यान नहीं दे पाया उसकी वजह से, ठीक है। और सरकार की गलतियों को एक बार साइड कर देते हैं, ठीक, क्योंकि जो प्रश्न फाइनल आंसर की मैं चेंज किए हैं या जो भी गलतियाँ हैं उनको साइड में कर ले। अपने को क्या सोच कर चलना है, जो मेरिट रहती है ना, फाइनल मेरिट जो रहती है ना, उससे कम से कम 10-12-20 नंबर ज़्यादा होंगे ना, तभी अपने सिलेक्शन संभव हो पाएगा। जैसे मैथ से तैयारी कर रहे हैं, 40% ही मेरिट रही है, मतलब जिनके जो पास हो रहा है दोनों पेपर में उनका सिलेक्शन हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि अगले पे ऐसा सोच कर नहीं चलना है कि मुझे केवल पास होना, 50-60% का लेकर ही चलना है। और अब मैं मेरी बात करूं, मैंने मैथ्स से सेकंड ग्रेड की ही तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि एमए अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, हो नहीं पाएगा अगर बीच में वैकेंसी आ भी जाती है, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है लाइफ में। अभी उस स्टेज पर हैं कि सिलेक्शन चाहिए बस, तो सेकंड ग्रेड की स्टार्ट की है। भेड़ा सर कलाम अकेडमी से मैंने कोर्स लिया है और वहाँ से मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, जो सेकंड पेपर होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, 4 से 5 घंटे तक उस सब्जेक्ट को पढ़े। अगर 3-4 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो 1-2 घंटा उसको रिवीजन भी करें, क्योंकि जितना सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा उतने ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट पेपर की धीरे धीरे आराम से तैयारी करते जाओ, ठीक है, उतना लोड मत लो। बाकी क्या है कि जब एग्ज़ाम पास में होते हैं ना, तो कलाम अकेडमी वाले बुकलेट निकालते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत बढ़िया होती हैं हर एग्ज़ाम में, आरएस में, रीट में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, कितनी उपयोगी साबित हुई। फर्स्ट पेपर वो तैयार करवा देंगे अगर हमारे अभी अच्छे से फर्स्ट पेपर पढ़ा हुआ होगा। हम धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3 घंटे अगर फर्स्ट पेपर को दे रहे हैं और 4-5 घंटे अगर अपन सेकेंड पेपर को दे रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी अपने चल रही होगी। अब क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों को विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैं मेरी गलतियों की बात करूं, जैसे प्रश्न चेंज होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग है। अगर मुझे इस सिलेक्शन लेने के लिए, मुझे रीट में अगर जो मेरिट रही उससे 10-12 नंबर ज्यादा लाने थे, उसके लिए मेरे क्या क्या गलतियां हो गई। सबसे पहले जो सिलेबस चेंज हुआ, जैसे पहले रीट की तैयारी की, रीट की तैयारी करने में अच्छे नंबर आए, सिलेक्शन की उम्मीद थी, फिर रीट रद्द हो गई। रद्द होने के बाद जब नई वैकेंसी निकली, जब दोबारा से करवाई गई, तो उसमें सिलेबस चेंज कर लिया, वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। क्योंकि जैसे राजस्थान जीके हमने 2019 से जब से तैयारी कर रहे थे, तब से राजस्थान जीके नहीं पढ़ा, क्योंकि साइंस मैथ में राजस्थान जीके था नहीं, फिर ऐड कर लिया, फिर उसमें करंट जीके, सारी चीज़ें वो नहीं आ गई, ठीक है।
तो उस हिसाब से जीके वाला पोर्शन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, और उसमें थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट होने की वजह से गलतियाँ हैं वो जीके वाले पोर्शन में ज़्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सिलेक्शन में। तो वो चीज़ें अभी इन गलतियों इन वैकेंसियों में अपने को नहीं दोहरानी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी। आपके भी कोई गलतियाँ हुई होगी, या फिर आप नए एस्पिरेंट्स हैं, अभी आपने बीएड बीएसटीसी की है, तो आप जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीख रहे हैं, सीख सकते हैं। या फिर कोई सफल हुआ है उससे, देखो दोनों व्यक्तियों से सीख सफल हुआ है उससे भी चीज़ें सीखनी है कि आप सफल किन किन वजह से हुए हैं, आपने किस किस की तैयारी किस कैसे की, और असफल लोगों से भी सीखना है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से आप है वो पीछे रह गए। ठीक है, दोनों प्रकार के देखो मार्गदर्शक का होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में देंगे। जो सेकेंड ग्रेड मैथ्स से लगे हैं उनसे भी अपने को कुछ सीखना है कि भाई क्या मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है कि मैथ्स में 40% बनने मुश्किल हो जाएंगे, पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, सेकेंड ग्रेड का भी इतना को फैलाया कि या तो करो थर्ड ग्रेड की करो या फिर फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसे तो कोई सिलेक्शन लेता ही है। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपने देखे होंगे जिनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ है, सेकेंड ग्रेड में हुआ है, थर्ड ग्रेड में हुआ है, ठीक है, तीनों पोस्टों में एक साथ सिलेक्शन लिया है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में सब्जेक्ट अलग थी फिर भी सिलेक्शन लिया है। तो अगर अपन सीरियस होकर मेहनत से अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्शन लिया जा सकता है और किसी भी पोस्ट पर लिया जा सकता है। बस दिमाग में जो है उसको लिखो और डेली के टारगेट बनाओ कि मुझे आज के दिन में ये टारगेट करना है, ठीक है। अब लंबे टाइम का सोच कर नहीं चलना है कि 1-1.5 साल बाद एग्ज़ाम होगा, तो अगर लंबे टाइम का सोच कर चलेंगे ना, तो 1-2 दिन अपन ऐसे ही चलो कि आज एग्ज़ाम अभी काफ़ी दूर है तो आज चलो रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा मन में आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मान देख लो, जब ऑनलाइन कोर्स लिया है तो एक टॉपिक को होने में मान लो 10 घंटे लगते हैं, तो ये टॉपिक अगर 10 घंटे लगते हैं, रोज़ मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो 5 दिन में एक टॉपिक कर लूँगा और 2 दिन उसका रिविज़न कर लूँगा, यानी सप्ताह में एक टॉपिक अपना क्लियर कर लेता हूँ। तो ये 7 दिन का टारगेट बनाओ कि 7 दिन में मुझे ये, जैसे मान लो मैथ्स में मैट्रिक्स और सारणी करनी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले भी लिया है तो उसके अलावा ज़्यादा मटेरियल अभी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी हमने तैयारी स्टार्ट की है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन एनसीईआरटी ला सकते हैं और एनसीईआरटी को साथ ही साथ में पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी अपने आधार बनाकर चलेंगे, जो नोट्स में लिखवा रहे हैं उनको, उनमें अगर एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें मिस है तो उसमें से आप अपने ऐड कर सकते हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मुश्किल होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, उसके बाद में चीज़ें अपने आप आसान है वो होती जाती हैं। तो ये सारे और 7-7 दिन के टारगेट बनाने हैं और उनको अचीव करना है, तो अपने आप एक एक टॉपिक को एक एक सिलेबस की तरह लेकर चलो कि मुझे एक टॉपिक यही मतलब मेरा सिलेबस है और 7 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो इस एक टॉपिक को मैं 7 दिन में कैसे अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, इस हिसाब से चलेंगे ना, तो छोटे छोटे अचीवमेंट करेंगे ना, तो अपने आप मोटिवेशन है अपने मिलता हुआ जाएगा। और बाकी 7 दिन के टारगेट के साथ साथ आप आज के दिन में क्या क्या करना है उसकी भी एक टू डू लिस्ट बना लिया करें और उनमें लिख दें कि आज मुझे ये टॉपिक शाम तक क्लियर करना है और उसकी ये प्रैक्टिस करनी है, इसका रिवीजन करना है, फर्स्ट पेपर में इस चीज़ को लेकर चलना है। सारी चीज़ें हैं वो एक साथ में हो जानी चाहिए कि मुझे मतलब एक तो 7 दिन का प्लान होना चाहिए और एक टू डू रोज़ाना का प्लान होना चाहिए। दोनों चीज़ें होगी तो अपने एक पूरे दिन का मोटिवेशन रहेगा, सप्ताह का मोटिवेशन रहेगा कि इस में सप्ताह में मुझे ये चीज़ें हैं वो करनी है। और जहाँ आप स्टडी करते हैं उस वातावरण को इतना पॉजिटिव बनाएं और ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तैयारी के दौरान अगर आपको मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको होता है, तो आप उनको अलग जगह रख लें ताकि, और साइलेंट करके या आप बंद करके उसको अलग जगह रख सकते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा ना करें। और बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लासें लेते हैं तो हो सके तो ऊपर से नेट बंद करके क्लासें डाउनलोड करके फ्लाइट मोड करके फिर से देख सकते हैं, फिर वैसे देख सकते हैं, और चीज़ें हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करें और अपने आप वो अपने आप आइडिया है वो अपने आप आता जाएगा अपने कैसे कि क्या आगे बढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आपके साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि जब मैं आपके सामने, देखो अभी शांति काल का टाइम है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो पढ़ते पढ़ते अपने को ऐसा लगने लग जाता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं जब आपके सामने ये सारी चीज़ें बोलता हूँ तो मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता है
और मेरे वर्ड से आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो सप्ताह में एक बार कोशिश करता हूँ कि इस तरह का आपके सामने वीडियो रखूँ, ताकि आपकी और मेरी दोनों की तैयारी है वो अच्छी चल सके। तो और भी कुछ जानना हो आप ट्रिकी साइंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ कुछ पूछ सकते हैं, मुझे कुछ पर्सनल पूछना हो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके आप है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी डाउट हैं। मैं वेड़ा सर से कलाम अकेडमी से मैथ्स की सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। काफ़ी के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं बता दिया कि मैं अभी सेकेंड ग्रेड की, देखो मैथ्स अभी तक तो सिंपल टॉपिक से स्टार्ट की, आप भी जो भी तैयारी कर रहे हैं कोशिश करें सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करने की। मैंने जैसे मैट्रिक्स से स्टार्ट किया है, तो मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ रही है, मैट्रिक्स और सारणी का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में है वो अगला नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ और बातें होंगी वो अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।